वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हरियाणा पुलिस के प्रीवियस पेपर जो कि मेल कांस्टेबल का था मॉर्निंग का, तो उसमें जो हरियाणा जीके के प्रश्न पूछे गए हैं तो वो क्वेश्चंस इसमें करेंगे। तो दोस्तों, मैंने जो है वो हरियाणा पुलिस से रिलेटेड दो तीन वीडियो पहले भी अपलोड कर रखे हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन है इसमें कि हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है। तो इसके ऑप्शन है कि बड़ी पुत्र वधु, छोटी बालिका, सफाई कर्मचारी या गांव के सम्मानित वृद्ध को। तो इसका आंसर है डी, गांव के सम्मानित वृद्ध को। तो विवाह में जो पंचायती रुपया है वो गांव के सम्मानित बूढ़े व्यक्ति को दिया जाता है। नेक्स्ट है कि आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है। तो इसका ऑप्शन है मार्कंडा, गंगा, सरस्वती या यमुना। तो इसका आंसर है सी, सरस्वती। तो आदि बद्री जो है ये यमुना नगर में है, और सरस्वती नदी जो है वो सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है भारत की। यह नदी जो है वो आदि बद्री से लेके और सिरसा में आगे प्रवेश करती है। तो अभी जो है रिसेंट में ही इस नदी की जो है वो खुदाई का कार्य चल रहा है कि ये नदी कहाँ से कहाँ तक थी, और इसका अभी जो है वो सीएम ने वहाँ पर इनोग्रेशन भी इसका किया है, और अभी जो है सरस्वती अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव भी मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छेल कड़े किस अंग में धारण करने वाला आभूषण है। ऑप्शन है पैर, कमर, हाथ या गले में। तो इसका आंसर है ए, पैरों में। तो छेल कड़े जो है वो पैरों में पहने जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको आभूषण से रिलेटेड वीडियो देखना हो तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें जो है वो हरियाणा में पहने जाने वाले आभूषणों से के बारे में मैंने उसमें बता रखा है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि महिला साक्षरता दर किस जिले में सबसे ज़्यादा है। तो ये अम्बाड़ा, गुड़गांव, करनाल और फरीदाबाद। तो इसका आंसर है बी, गुड़गांव। तो महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा गुड़गांव में है, गुड़गांव जिसे कि गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 मार्च 2016 को राष्ट्रपति महोदय ने हरियाणा सरकार को किस उपलब्धि के लिए पुरस्कृत किया था। तो इसका जो है आंसर है बी, लिंग अनुपात में सुधार के लिए। तो अभी जो है वो हरियाणा सरकार ने बहुत सारी स्कीमें चलाई हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की जो है, तो उसके कारण जो वो हरियाणा के लिंग अनुपात में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। तो अभी जो है 2018 में जो हरियाणा में लिंग अनुपात जो है वो 1000 पुरुषों के मुकाबले जो है वो 900 प्लस कर गया है स्त्रियां जो है, तो इसमें जो है काफ़ी सुधार हुआ है। तो यह हरियाणा की एक उपलब्धि मानी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दिखाई देगा तो उसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो इससे जो है आपको मेरे वीडियोस की अपडेट जो है वो जैसे मैं अपलोड करूँगा तो उसी टाइम पे मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालका नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो इसका आंसर है सी, NH 22। कालका जो है वो नेशनल हाईवे 22 पर स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सांगी नहीं है। तो पंडित लक्ष्मीचंद ये सांगी थे, तुलसीदास शर्मा ये सांगी नहीं थे, पंडित मांगेराम सांगी थे और बाजे भक्त भी सांगी थे। तो इसका आंसर है बी, तुलसीदास शर्मा सांगी नहीं थे, बाकी ये जो है ये सांगी थे। नेक्स्ट है कि मुर्रा इसकी एक किस्म है। तो मुर्रा जो है वो हरियाणा में भैंस की एक अच्छी किस्म है। तो इसका आंसर है बी, मुर्रा को जो है वो काला सोना भी कहा जाता है। तो यह हरियाणा की जो है वो सबसे प्रसिद्ध भैंस की नस्ल है। नेक्स्ट है कि डेरा सच्चा सौदा आश्रम किस जिले में है। तो इसका आंसर तो आपको भी पता ही होगा जो भी रिसेंट में हुआ है, तो डेरा सच्चा सौदा का आश्रम जो है वो सिरसा जिले में है। नेक्स्ट है कि फिरोजपुर झिरका उपमंडल के तीन और कौन सा प्रदेश है।
तो इसमें जो है राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या पंजाब, तो इसका आंसर है ए राजस्थान। तो फिरोजपुर झील का उपमंडल जो है इसके तीनों ओर राजस्थान है, यानी कि यह जो उपमंडल है वो तीन तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है। तो रोहतक है, यह काफ़ी प्राचीन नगर है जो कि हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास के नाम पे बसाया गया है। पंचकुला जो है वो प्राचीन नगर नहीं है, जैसा कि इसमें आंसर दे रखा है बी। सोनीपत जो है वो सोनीपत काफ़ी प्राचीन नगर है, इसको सोनप्रस्थ भी कहते हैं। और अगरवा तो बहुत प्राचीन है, यहाँ पर जो है वो अभी भी एक टीला है, और यहाँ पर जो है वो काफ़ी प्राचीन जो है चीज़ें भी यहाँ से मिली है। तो नेक्स्ट है कि पिपलाद ऋषि से संबंधित बागहोत तीर्थ किस जिले में है। तो ऑप्शन है रेवाड़ी, भिवानी, जींद या महेंद्रगढ़। तो इसका आंसर है डी महेंद्रगढ़। तो पिपलाद ऋषि से संबंधित बागहोत तीर्थ जो है ये महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। तो इसमें ऑप्शन जींद, कैथल, सोनीपत और रोहतक है। तो इसका आंसर है डी रोहतक। तो जो है अभी 22वां जिला बना है चरखी-दादरी, तो उसकी सीमा भी जो है वो किसी अन्य प्रदेश से टच नहीं करती है। तो अभी जो हरियाणा में दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं किसी दूसरे राज्य से नहीं स्पर्श करती है, तो वो है रोहतक और चरखी-दादरी। अगर आपको चरखी-दादरी से रिलेटेड वीडियो देखना हो तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है कि वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2016 किस शहर में आयोजित हुआ था। तो इसका आंसर है ए गुड़गांव। तो आप जो अभी पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स भी जो है वो देखते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी आते हैं, और मैं जो है वो करंट अफेयर्स के आपको जो है वो प्रत्येक महीने जो है वो दो वीडियो आपको करंट अफेयर के जरूर मिलेंगे मेरे। तो आप जो है वीडियो जो मेरे लेटेस्ट है वो देखते रहिए। और अभी मैं जो है वो हरियाणा पुलिस से रिलेटेड एक सीरीज भी चलाऊंगा, तो आप वो भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है। तो बासोड़ा जो है वो इसका आंसर है डी सीली सातम। तो सीली सातम को जो है वो बासोड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कोहनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसमें ऑप्शन है श्रीराम शर्मा, निक्कीराम शर्मा, चंद्रभान गुप्त और बालमुकुंद गुप्त। तो इसका आंसर है डी बालमुकुंद गुप्त। तो कोहिनूर पत्र के संपादक जो है वो बालमुकुंद गुप्त जी थे। नेक्स्ट है कि दाहिने हाथ का संख किस लेखक की रचना है। तो ऑप्शन है सादुल्ला, कृष्ण गोस्वामी, गुलाम हुसैन शाह या जैतराम। तो इसका आंसर है सी गुलाम हुसैन शाह। तो दाहिने हाथ का संख जो है ये गुलाम हुसैन शाह की एक प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट है कि मास्टर चंदगी राम का किस खेल से संबंध है। तो मास्टर चंदगी राम जो है ये कुश्ती से संबंधित थे, ये जो है वो हिसार जिले से संबंधित थे। इन्होंने जो वो भारत केसरी, हिंद केसरी इत्यादि जो है वो काफ़ी जो है खिताब जीते थे, और इनका जो है कुश्ती में बहुत नाम था। नेक्स्ट है कि सिख पंथ को मानने वाले व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या किस जिले में है। तो यह है ऑप्शन है करनाल, मेवात, सिरसा या रोहतक। तो इसका आंसर है सी सिरसा। तो सिख पंथ को मानने वाले जो है वो सबसे ज़्यादा सिरसा में है, क्योंकि सिरसा जो है वो पंजाब से सटा हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो सिख धर्म के सबसे ज़्यादा अनुयायी हरियाणा में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से हरियाणा से केंद्र सरकार में कौन मंत्री नहीं है। तो यह है वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत, सुरेश प्रभु या कंवर पाल। तो इसमें जो है आंसर है डी कंवर पाल। तो कंवर पाल जो है वो सेंटर में मिनिस्टर नहीं है, और जो ये सारे सेंटर में मिनिस्टर है। नेक्स्ट है कि खनिज संसाधनों में किस जिले की प्रमुखता है। तो ऑप्शन है महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, भिवानी या गुड़गांव। तो इसका आंसर है ए महेंद्रगढ़। तो सबसे ज़्यादा जो है खनिज संसाधन जो है वो महेंद्रगढ़ में है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में किस अभियान को प्रारंभ किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो बेटी बचाओ बेटी
बेटी पढ़ाओ जो अभियान जो था वो हरियाणा के पानीपत से ही स्टार्ट किया था, और ये जो है वो 22 जनवरी को जो है प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। तो 22 जनवरी 2015 को इसको जो है वो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, और इसी के बल पे जो है वो भी हरियाणा में लिंगानुपात में काफ़ी सुधार हुआ है। नेक्स्ट है कि रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये ऑप्शन है रोहतक, सिरसा, हिसार या पंचकुला। तो इसका आंसर है बी, सिरसा। तो रानिया जो है वो सिरसा का एक नगर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अभी जो है वो मैं आगे रिसेंट में आगे जो है वो हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके भी मैं अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके के वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप वो भी देखते रहिएगा। अगर आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस देखने हो तो आप जो है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा तो उसके ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा। तो इससे जो है जैसे मैं नए वीडियोज अपलोड करूंगा तो उनकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको जीमेल के माध्यम से उसी टाइम पे मिल जाएगी, और आप जो है वो मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपके कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आगे जो है वो जल्द ही मैं हरियाणा पुलिस से रिलेटेड एक सीरीज बनाऊंगा, तो देखते रहिए दोस्तों वीडियोस। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।